अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रीवा. एडमिशंस ओपन नाउ. एड्रेस नियर बाईपास क्रॉसिंग रतहरा रीवा. नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति. भाजपा के मोहारी कटरा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा के खिलाफ ग्राम शाहपुर निवासी करुणा मिश्रा पति राजेंद्र कुमार मिश्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. करुणा मिश्रा ने पुलिस को बताया कि उसके पति राजेंद्र मिश्रा बेटे का दाखिला कराने के लिए इंदौर गए हुए थे. इस बीच मौका पाकर भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा ने अपने पिता उमाकांत मिश्रा, भाई सत्येंद्र मिश्रा और बद्री साकेत के साथ मिलकर उसके खेत में बोई धान की फसल को नष्ट कर दिया. भाजपा नेता का खौफ इस कदर है कि पुलिस FIR तक लिखने को तैयार नहीं है. पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है. पीड़ित न्याय के लिए उच्च अधिकारियों को आवेदन दे चुकी है मगर फिर भी अब तक FIR सरहंगों के खिलाफ नहीं लिखी गई है. करुणा मिश्रा ने पुलिस को बताया कि उसकी निजी आराजी नंबर 329 के रकबा 72 ढिसमिल में धान का रोपा लगा रखा था. गुरुवार को जितेंद्र मिश्रा उसी खेत पर अपना ट्रैक्टर दौड़ाने लगे. इसकी जानकारी मिलने पर जब वह खेत पहुंची तो लाठी डंडे लेकर खड़े भाजपा नेता के पिता भाई भी उसे धमकाने लगे. भाजपा नेता ने उसे अपने मंडल अध्यक्ष होने का रौब दिखाते हुए कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. इसी बीच करुणा के जेठ के लड़के मनीष और अजीत मिश्रा उधर से आते दिखे. करुणा ने उन्हें आवाज लगाई तो वे खेत की तरफ आने लगे, जिन्हें देखकर जितेंद्र और उसके साथी ट्रैक्टर लेकर भाग खड़े हुए. लेकिन तब तक उन्होंने खेत में बोई धान की फसल को नष्ट कर दिया था. मैं भारतीय जनता पार्टी का मोहारी कटरा मंडल का दो सत्र में महामंत्री भी रह चुका हूँ और भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के, हमारे सारे परिवार के ब्रेड में निवास करती है, खून में. मैं कार्यकर्ता नहीं, उसका समर्पित व्यक्ति हूँ. मैं अभी विगत 25 तारीख को अपने छोटे बेटे कपिल मिश्रा का एडमिशन कराने इंदौर चला गया था. मेरे घर में मेरी अकेली महिला थी. हमें जानकारी मिली अपने भतीजे मनीष मिश्रा द्वारा कि चाचा आधा आज जो चाची के नाम में खेत रहा है, आराजी नंबर 329, उसको मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा एवं उनके पिता उमाकांत मिश्रा एवं उनके भाई सत्येंद्र मिश्रा द्वारा, साथ में बद्री साकेत भी थे, मेरी बोई धान की फसल को जो कि मैंने जमकर और तैयार हो चुकी थी उसको SDM का पहले इन्होंने स्थगन लिया 24 तारीख को. हालांकि मैं पट्टेदार हूँ, स्थगन इनको पट्टेदार के खिलाफ ना मिलना चाहिए, पर स्थगन इनको मिला. स्थगन का इन्होंने माननीय न्यायालय के आदेश का भी इन्होंने ही स्थगन लिया. इन्होंने ही 27 तारीख को मेरे पत्नी के पट्टे की आराजी को और जमी फसल को, धान की जमी फसल को और जोत के इतने व्यक्तियों ने नष्ट कर दिया. मैं इंदौर में था, मेरी पत्नी वहां खेत में गई, गुहार लगाई तो उसके साथ भी छीना छपटी किए, गाली गलौज किए, धक्का मुक्की किए और अपने पद का रुतबा बताते हुए बोले कि मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मेरा बाल नहीं उखाड़ सकती हूँ, मेरे बड़े बड़े नेताओं से मेरी जान पहचान है, सभी अधिकारी मुझे रिस्पॉन्स करते हैं, मेरी जो इच्छा होगी मैं वो करूँगा और यहाँ से भाग जाओ अन्यथा तुम्हें जान से मार दूंगा. मेरी पत्नी आवाज लगाई तो मेरे दो भतीजे थे वहां पे, खेत देखने गए थे, उन्होंने दौड़ के आया, तब तक ये ट्रैक्टर मेरी फसल को नष्ट करके और निकाल के चले आए. तब मैं, मेरी पत्नी, मेरे दो भतीजों के साथ मनीष मिश्रा एवं अजीत मिश्रा के साथ में थाना ताला शिकायत दर्ज कराने गई. 27 तारीख को शिकायत की, 27 तारीख को मेरे खेत को, बोई फसल को नष्ट करके और इनके द्वारा, उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा नष्ट कर दी गई. जब मेरी पत्नी वहां शिकायत लेके गई, थाना प्रभारी ताला बोले कि मैंने कार्यवाही कराता हूं, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई. अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रीवा. एडमिशंस ओपन नाउ. एड्रेस नियर बाईपास क्रॉसिंग रतहरा रीवा.